everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss previous year questions of polymer chapter. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पॉलीमर चैप्टर, जो भी फॉर्मूलाज इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए सारे डिस्कस किए थे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया था. इस वीडियो को देखने से पहले आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. तो पॉलीमर जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, जैसे कि मैंने फर्स्ट अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था. लेकिन इस चैप्टर में काफी, अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. लाइक इफ आई एम टॉक अबाउट द नेट नवंबर 2020, तो इसमें दो क्वेश्चन आए थे जो कि एक 4 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का. और ये चैप्टर इतना छोटा है, यू कैन इजिली कम्प्लीट विद इन 3 to 4 आवर्स. इसका क्या है, जो आपने मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसको देखो प्लस इस वीडियो को देखो, तो ये चैप्टर आप अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे. तो बेसिकली जब भी ये पॉलीमर पे क्वेश्चंस डालते हैं मेनली काइनेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को. मैंने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, उसमें थोड़े से हम काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एट टाइम 10 आर ऑफ ए पॉलीमर फॉर्म्ड बाय अ स्टेप बाय प्रोसेस विद ए पॉलीमराइजेशन रेट कॉन्स्टेंट. If they are talking about a rate constant, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, अगर काइनेटिक्स की बात करें तो ये रेट कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं. तो K is equal to 3 × 10⁻²⁻² मोलर पर सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो मैं इसकी बात करूं ये कौन सी रेट लॉ इक्वेशन होगी, हम इसके यूनिट से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. अगर किसी को नहीं पता, मैंने केमिकल काइनेटिक्स का भी ये वाला पोर्शन अपने चैनल पे करवाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है. उसके बाद उन्होंने हमें एक टाइम दिया, तो सबसे इजी वे होता है जब भी हमने फिजिकल के क्वेश्चन करने हैं, सबसे इजी वे होता है जो भी आपको गिवन है उसको लिख लो अच्छे से. ठीक है, फिर आप देखते हैं कि हमने क्या करना क्या है इसमें. एंड इनिशियल मोनोमर कंसेंट्रेशन हमें दी हुई है, हमें इनिशियल मोनोमर कंसेंट्रेशन दी हुई है. ओके, तो इनिशियल मोनोमर कंसेंट्रेशन कितनी है, 50 मिलीमोलर. ओके, सो दिस इज द डाटा दे हैव गिवन टू अस. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला होता है ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी, मींस द कंसेंट्रेशन ऑफ मोनोमर एट स्टार्टिंग इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ मोनोमर अलोंग विद द कंसेंट्रेशन ऑफ द मोनोमर एट टाइम टी. तो हम यहां से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हैं. इफ यू सी द क्वेश्चन, तो हमें उन्होंने इनिशियल कंसेंट्रेशन दी हुई है, दैट इज 50 मिलीमोलर. तो हमें कंसेंट्रेशन निकालनी है एट टाइम टी, राइट. तो हमें इसके लिए क्या यूज करना होगा, इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो रिएक्शन वर्ल्ड केमिस्ट्री, तो उस पर पूछ सकते हो. यू कैन ऑल्सो सेंड मी मेल reactionworld97@gmail.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. So now let's talk about how to find the concentration of monomer at time t. ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, काइनेटिक्स का सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करने का एक बहुत से आसान सा फॉर्मूला होता है. थ्रू दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड एनी इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सॉरी, फर्स्ट नहीं कर सकते, उससे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं. उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ एटी, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एटी. फॉर दैट वी नीड द इक्वेशन, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. हमें कैसे फाइंड आउट किया कि सेकेंड ऑर्डर होगा, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट. तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होती है के टी इज इक्वल टू 1/80 मीन्स मोनोमर कंसेंट्रेशन एट टाइम टी माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन. फाइन, ये हमें फॉर्मूला फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट फॉर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, राइट. सो वी नीड द वैल्यू ऑफ ए नॉट बाय ए टी. हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए नॉट से, तो हमें क्या मिलेगा, नाउ अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए नॉट के टी इज इक्वल टू
अब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा ए नोट बाय ए टी माइनस ए नोट बाय ए नोट. ओके सो वट विल गेट ए नोट के टी ए नोट बाय ए टी यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन. अब हमें चाहिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का क्या फॉर्मूला है? ए नोट बाय ए टी. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए नोट बाय ए टी. तो वी विल डायरेक्टली गेट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. तो यहाँ आ जाएगा ए नोट के टी प्लस वन. ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का न्यू फॉर्मूला. इसके लिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें देखो अब हमने वैल्यू पुट करनी है. हमें ए नोट के इनिशियल कंसेंट्रेशन की वैल्यू पता है कितनी है. इनिशियल कंसेंट्रेशन की वैल्यू 50 मिली मोलर. सो ए नोट बाय ए टी क्या बन जाएगा, ए नोट दैट इज 50 मिली मोलर. तो अगर हम इसको मोलर में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10^-3, राइट. उसके बाद हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट है, उसकी क्या वैल्यू है, रेट कॉन्स्टेंट इज 3×10^-2. तो ये माइनस थ्री है, ये है इंटू 3×10^-2. ठीक है, उसके बाद है टाइम. टाइम इज 10 आवर. तो हमें इसको सेकंड में चेंज करना है, 10×60×60 प्लस 1. तो प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, अब हम जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए नोट बाय ए टी आ जाएगा 55. तो क्या आ जाएगा, 55, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद. ठीक है, जो कि हो जाएगा फर्स्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड क्वेश्चन. ये सबसे पहले नेट जून 2013 में आया था, उसके बाद ये सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था नेट नवंबर 2020 में, राइट. तो जो नेट का पेपर आया था इस बार का फिजिकल बहुत इजी था, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए थे. इवन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसके बाद क्वांटम का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सेम दिस क्वेश्चन आल्सो रिपीटेड. तो ये क्वेश्चन भी जो है वो रिपीट हुआ था. इस ये जो क्वेश्चन है वो है विस्कोसिटी के कंसेप्ट के ऊपर. तो मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ प्रीवियस वीडियो का, तो आप देखना उसको. ठीक है, तो इसमें क्या है, तो विस्कोसिटी का एक प्लॉट था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि n माइनस n नॉट बाय n नॉट 1 बाय c इज इक्वल टू इंट्रिंसिक विस्कोसिटी. ये कब था, व्हेन c अप्रोचेस 0. जब c हमारा 0 होगा तब जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होगी, n माइनस n नॉट बाय n नॉट. ओके, तो हमने जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इसके लिए आपको वो डिटेल में देखना पड़ेगा, वीडियो को तो अच्छे से देखना. जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखो y इंटरसेप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए सीरीज ऑफ द पॉलीमर सॉल्यूशन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन. तो हम जब कंसेंट्रेशन के अगेंस्ट ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एंड नोट आएगा. तो उन्होंने बोला है द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y के ऊपर है वैल्यू. ठीक है, फ्रॉम द प्लॉट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सीरीज ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन, कौन सी कंसेंट्रेशन है, 0.05. तो y इंटरसेप्ट है मतलब उस टाइम पे कंसेंट्रेशन क्या अप्रोच कर रही है, जीरो अप्रोच कर रही है. द प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट k एंड एक्सपोनेंट अल्फा, तो हमें प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट भी गिवन है k, जो कि है 5×10^-5. उसके बाद हमें अल्फा गिवन है दैट इज 0.5 रिस्पेक्टिवली. द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर इज, तो हमें इसमें हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास फाइंड करना है. ठीक है, ओके. तो y इंटरसेप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लॉट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सीरीज ऑफ द पॉलीमर सॉल्यूशन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन इज 0.05. तो यहाँ पे इन्होंने y इंटरसेप्ट की बात की हुई है. तो y इंटरसेप्ट मतलब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू के इक्वल होगी जब कंसेंट्रेशन क्या अप्रोच करेगी, जीरो अप्रोच करेगी. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट y इंटरसेप्ट मींस द कंसेंट्रेशन इज अराउंड अप्रोचेस जीरो. तो मतलब इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0.05 होगी. ठीक है, यहां से हमें इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू पता लग गई. तो हमें एक फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी फाइंड आउट करने का कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू k, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, m v अल्फा. तो वी हैव टू फाइंड द मोलर मास.
मतलब हमें एम फाइंड आउट करना है, हमें इंट्रिंसिक रिसोर्स का वैल्यू पता लग गई, डेट इज 0.05, हमें के की वैल्यू गिवन है डेट इज 5 × 10⁻⁵, और अल्फा की वैल्यू भी गिवन है डेट इज 0.5। नाउ के इज इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू मैं इस पे पुट करूंगी है, तो इंटरेस्टिंग विस्कोसिटी हो गया 0.05, ठीक है, के हो गया हमारे पास 5 × 10⁻⁵, इसको सोल्व ध्यान से करना, एंड मॉलिक्यूलर मास की क्या वैल्यू होगी तो वी डोंट नो, हमें इसको फाइंड आउट करना है, और अल्फा हमें 0.5 गिवन है, तो व्हेन आई विल सोल्व दिस 0.05 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁵, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 को कैन आई राइट एज 1/2, है ना, हम मैं लिख सकती हूँ, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगी 0.01 × 10⁵, राइट, ऊपर चला जाएगा, तो जब मैं इसके ये पॉइंट को हटाऊंगी तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू एम वी हाफ, तो हमें एम वी की वैल्यू को निकालना है, तो एम वी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन को अच्छे से करना, तो दो बार रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे हमने इसकी 1/2 को हटाना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 10⁻⁶ मास, तो हमारे पास जो मास की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10⁻⁶ हो जाएगी सी, तो हमारा इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जून 2019 में आया हुआ है, अगेन ये काइनेटिक के बेसिस पे है, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये भी नेक्स्ट जून 2019 में आया हुआ है, तो आप देख सकते हो 19 में भी इस पे इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन जो है वो आए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, अगेन द रिएक्शन रेट ऑफ सेल्फ कैटलाइज्ड पॉली एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज गिवन एज माइनस डी COH by dt is equal to, ये हमें उसकी रेट लॉ इक्वेशन दे दी, तो हम इसका ऑर्डर फाउंड कर सकते हैं फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन, दैट इज रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, COH का स्क्वायर इनटू OH, तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर है वो रिएक्शन क्या क्या हो गया, 3 हो गया, 2+1। इफ एम नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ OH एंड कार्बोनिल मोनोमर, मतलब सभी की कंसेंट्रेशन क्या है, इनिशियल एम नॉट है, तो हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन एक हमें दी गई है जो कि है एम नोट, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ OH एंड कार्बोनिल मोनोमर इज एम नोट, देन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हमने फाइंड आउट करना है, ओके, तो हाउ वी विल फाइंड आउट, वी नो द इनिशियल कंसेंट्रेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, तो हमें एटी फाइंड आउट करना है, तो ऑर्डर क्या है, थर्ड है, तो हमें रेट लॉ इक्वेशन पता होना चाहिए फॉर थर्ड ऑर्डर, तो जो कि होती है थर्ड और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होती है, केटी इज इक्वल टू 1/80² - a0² ओके, क्या होती है 80² - 1/a0² आगे भी, सॉरी आगे भी टू होता है, तो केटी इज इक्वल टू 1/2 AT² - 1/a0² ओके, सो वी नो वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ a0 by AT, हम अगेन वही वाला सेम मेथड यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाली सारी इक्वेशन को a0² से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें a0² को कैंसिल करवाना है, तो मल्टीप्लाई बाय a0² जब हमने a0² से मल्टीप्लाई, इसको हम पहले ही उधर ले जाएंगे 2KT, तो इधर भी करेंगे हम a0² से बोथ साइड बाय a0², यहाँ पे भी हमने किया और यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट, तो यहाँ ये वाला 1 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ गया, तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, तो वी कैन आंसर राइट इट एज n² इज इक्वल टू 2KT a0² + 1, तो ये वाली ऑप्शन कौन सी है, 2 m0² kT + 1, तो सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, द n दिस n इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम्ड दैट इज p, तो
तो ये सब कुछ मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इन गो एंड वॉच दैट वीडियो। फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आर रिलेटेड एज, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू 1/1 - t। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। नाउ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है नेट जून 2018 में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अ 5 ग्राम पर लीटर पॉलीमर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, तो हमें कंसेंट्रेशन गिवन है, दैट इज 5 ग्राम पर लीटर। तो हमें कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 5 ग्राम पर लीटर गिवन है। हुज मोलर मास इज, तो हमें एक मोलर मास गिवन है, ठीक है, जिसके यूनिट क्या होते हैं, 25 kg/mol। नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द ऑस्मेटिक प्रेशर। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था ऑस्मेटिक प्रेशर का, जो कि था पाई बाय सी इज इक्वल टू आर टी बाय एम प्लस बी सी बाय आर टी बाय एम स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड दिस ऑस्मेटिक प्रेशर। तो वी विल इग्नोर दिस टर्म, एज दिस टर्म विल बिकम वेरी स्मॉल, वी विल लुक अपॉन द मोलर मास ऑफ द दिस पर्टिकुलर पॉलीमर। तो ये स्क्वायर में है, वो भी डिवाइड में, तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है मेनली क्या रहेगा, पाई बाय सी आर टी बाय एम। अब पाई हमें फाइंड आउट करना है, सी हमें गिवन है, दैट इज कंसेंट्रेशन 5 ग्राम पर लीटर, ठीक है, आर टी की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 2500 जूल पर मोल, 2500 जूल पर मोल, और मोलर मास भी हमें गिवन है, दैट इज 25 kg। इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे, ग्राम पर मोल, ये भी पर मोल, ये भी पर मोल, तो पर मोल से पर मोल, पर मोल पर मोल कैंसल हो जाएगा, इसको करो। हमें यूनिट्स, इसमें हमें यूनिट्स को देखना है, तो वी हैव टू फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेरिक की फॉर्म में हमने अपना ऑस्मेटिक प्रेशर को निकालना है, राइट। मैं इसको उधर ले जाती हूं, 2500 जूल 5 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 5 ग्राम पर लीटर है। अब हम 5 ग्राम पर लीटर है, और नीचे जो है वो क्या है, 25 × 1000 ग्राम, राइट। यहां से ग्राम कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, हमारे पास रह गया पर लीटर, जूल पर लीटर। अब हमें इसको एटमोस्फेरिक में चेंज करना है, तो एक रिलेशन होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, 1 atmospheric liter इज इक्वल टू 101.1 जूल, ठीक है, एक एटमोस्फेरिक लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 101.1 जूल के इक्वल होता है, राइट। अब दैट वी कैन आल्सो टेक इट एज 1 atmospheric = 100 जूल। अब लीटर को मैं इधर ले जाती हूँ, जूल पर लीटर क्या बन गया हमारे पास, एटमोस्फेरिक, तो यहाँ पे क्या है, जूल पर लीटर, विच इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक ओनली, राइट। तो अगर हम इसको कट करेंगे, 25 है, 100 हो गया है ना, 100 होगा कि 10 होगा, इट विल बी 10, नो इट्स 2500, सॉरी 100 आ जाएगा, तो 100 की 2 जीरो कट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10, और यहाँ 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 atmospheric, समथिंग रॉन्ग आई डिड और समथिंग, या इट विल बी 0.5, सॉरी ये हमारे पास है 0.5 जूल पर लीटर। तो 1 atmospheric इज इक्वल टू 100 जूल पर लीटर, तो हमें इसको एटमोस्फेरिक में करना है, तो 1 जूल पर लीटर इज इक्वल टू 1/100, ठीक है ना। तो इसको हमने एटमोस्फेरिक में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 0.5 को 100 से डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल टू 0.005 atmospheric। तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये नेट जून 2018 में क्वेश्चन आया था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो नेट जून 2017 में आया था, और नेट जून 2017 में एक और क्वेश्चन आया था जो कि बहुत सिंपल था, इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला नंबर एवरेज मेथड, ठीक है। तो वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ अपनी लास्ट वाली वीडियो में, उसको ध्यान से देखो। उस क्वेश्चन उस टॉपिक पे बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा उसको, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फॉर ए मोनो डिस्पर्स पॉलीमर, तो ये कंसेप्ट मोनो डिस्पर्स, ये कंसेप्ट आता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स से, जो कि होता है डी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम डब्ल्यू, ठीक है, वेट एवरेज मोलर मास, उसके बाद होता है एम एन, नंबर एवरेज मोलर मास। तो दे आर सेइंग अगर ये मोनो है, मोनो मीन्स डी जो है वो क्या होगा, वन होगा, राइट। अगर ये मोनो है तो इज इक्वल टू एम बाय डब्ल्यू, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो देन वी कैन से एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एन, दिस वुड बी द रिलेशन इफ इट इज मोनो डिस्पर्स, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर ये डाई होता, बाय डिस्पर्स होता, तो क्या होना था, तो ये इसकी इट शुड हैव सम वैल्यू, है ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या होनी थी, टू होनी थी, तो वी कैन से टू एम एन इज इक्वल टू एम डब्ल्यू। तो हम यहां से हम कह सकते थे कि अगर हमें पूछा होता तो एम डब्ल्यू जो है वो बड़ा होना था एम एन से, राइट, फॉर ए डाई, फॉर ए बाय डाई डिस्पर्स पॉलीमर, ठीक है, फॉर मोनो इट इज इक्वल, ठीक है, इसके लिए ये आंसर आएगा, राइट। अब हम डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन, ये नेट जून 2016 में आया हुआ है, ये है ने कंसेप्ट के ऊपर मोल फ्रैक्शन, ये भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। The condensation of OH acid produces a polyester with the probability of a linkage at both ends P. तो हमें probability of linkage क्या दिया गया है? P दिया हुआ है. We are given with a probability that is P. A mole fraction of K-mer. K मतलब क्या? कि वो मोनो जो पॉलीमर है वो K number of monomers से मिलके बना है. तो M की value जो है वो क्या है? K है. तो हमें क्या निकालनी है? Mole fraction निकालनी है. तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स के, यहाँ पे के नंबर ऑफ मोनोमर्स है, वन माइनस पी, पी एन माइनस वन, तो एन इस केस में क्या है, के है, तो यहाँ पे हम के कर देंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन है, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ है, तो इसमें हमने दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलर मास इन अ टिपिकल मास इन अ टिपिकल पॉलीमर इज शोन, हमें मोलर मास की डिस्ट्रीब्यूशन शोन की हुई है, तो हमें बताना है इसमें से ए बी सी क्या है, एम डब्ल्यू है, एम वी है या एम एन है। तो अगर मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होता है, एम डब्ल्यू का, इन तीनों में से, तो सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू, उसके बाद बी जो होगा वो क्या होगा, फिर सेकेंड नंबर पे आता है वी का, जो कि होता है विस्कोसिटी मोलर मास, तो ये बी हो जाएगा, और सबसे कम होता है नंबर एवरेज मास दैट इज ए, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा, ए है एम एन, बी है एम वी और सी है एम डब्ल्यू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमर्स क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊ पॉलीमर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो भी मुझे आप बता सकते हो। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।